अब हम जनता की समस्याओं का समाधान, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक योजना लेके आए, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। इस योजना में मोटा मोटा ये है भाई, पिछले 2-3 साल 4 साल जब से आपने बिल नहीं दिए, उस दौरान अगर आपकी 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग मिलती है, ऐसी रीडिंग जो आप भी सहमत हो, जल बोर्ड भी सहमत है, 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग है, तो उनको मान लिया जाएगा, उसकी एवरेज ले ली जाएगी और उसकी एवरेज से बाकी सारे महीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। भाई आपकी एक रीडिंग आ रही है मान लो 18,000 लीटर, एक रीडिंग है 21,000 लीटर, आप कहते हो ये 2 सही है, तो 21 और 18 39,000 लीटर हो गई, 39 को 2 से डिवाइड किया 19.5 हो गया, ये आपकी एवरेज रीडिंग। तो जितने महीनों का आपने बिल नहीं दिया उतने महीनों का इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपका बिल जनरेट कर देंगे। तो उस हिसाब से एक तो ये हो गया कि भाई जिस जिस की 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग है, ओके रीडिंग को कैलकुलेट। कई लोग जैसे इन्होंने बताया 2012 से किसी ने बिल ही नहीं दे रखे, मीटर ही नहीं लगा रखा, ऐसे लोग अगर अब मीटर लगाने को तैयार हो जाते हैं तो हम ये देखेंगे उसके आस पड़ोस की, उसकी गली में रहने वालों का क्या बिल आया, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी तो सेम कैटेगरी के लोग हैं, ये भी इसका भी लिविंग स्टैंडर्ड वैसा ही है, उसका भी लिविंग स्टैंडर्ड, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, झुग्गियों में रहने वालों का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, रिसेटलमेंट में रहने वालों का एक जैसा है, वसंत विहार में रहने वालों का। तो हम ये देखेंगे कि उस गली के अंदर बाकी लोगों का बिल कैसे आ रहा है। तो नेबरहुड की स्कीम इसके अंदर है, जो गली के लोगों का जिस ट्रेंड पे बिल आ रहा है उसी हिसाब से इसका भी बिल मान लिया जाएगा। इतनी अच्छी स्कीम, इतनी शानदार स्कीम कैसे कहां हो सकती है, इतनी सही स्कीम है। इसमें भी अगर कुछ कमियां तो हम इनके साथ चर्चा करने को तैयार है, बीजेपी वाले आए बैठे हमारे साथ चर्चा करें, कुछ चेंजेस बताएंगे हम चेंजेस कर लेंगे उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए किसी का अब एवरेज आ गया 20,000 लीटर से कम, तो 20,000 लीटर से कम अगर हो गया तो उसके 5-7 साल का सारा बिल माफ हो जाएगा, और अगर किसी का ज्यादा आ गया तो उसका ज्यादा के हिसाब से एलपीएससी और इंटरेस्ट माफ करके और हम बाकी बिल उससे ले लेंगे। हमारा अपना अंदाजा है कि इस हिसाब से लगभग 10.5 लाख में से 90% से ज्यादा लोगों का पानी का बिल जो है वो 20,000 लीटर से कम आएगा और उनका सारा पुराना बिल माफ हो जाएगा, बिना एक भी पैसा दिए उनके दफ्तरों के चक्कर बंद हो जाएंगे और वो अपना सुख शांति से जीना शुरू कर देंगे।